करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमीरांध से चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे हम श्री गुरु श्री उत्पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवाच श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान वितमतम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादांसह गण ललिता श्री विशाखां वितांस हे कृष्ण करुणासिन्धु दीन बन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कांता, राधा कांत नमोस्तुते तप्त तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपदाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेव गौरवाणी प्रचारिणी शून्यवादी पाश्चात्यदिशतारिणी जय कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानन्दा श्री गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण सभी को सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्रवे अध्याय में तो सत्रवे अध्याय को शुरू करने के पहले हमने थोड़ा सा सिंहावलोकन किया था सोलहवे अध्याय का जिसमें आखिरी के दो श्लोकों में भगवान ने आ, शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करने का महत्व बताया है तो यहाँ पर सोलवा अध्याय खत्म होता है तो अब हम सत्रहवें अध्याय में क्या कहां से शुरुआत हो रही है ये हम देखेंगे तो इस सत्रहवे अध्याय का नाम है टाइटल है श्रद्धा के विभाग यानी श्रद्धा भी किन किन प्रकार की हो सकती है इसके बारे में हमको यहाँ पर पता चलने वाला है तो जब पिछले अध्याय का अंत हुआ था शास्त्रों के बारे में शास्त्रों का अनुपालन करने के बारे में बात हुई थी तो उसी के अनुसार अर्जुन का भी प्रश्न आ रहा है क्या बोल रहे हैं अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज यजंते श्रद्धा तेषा निष्ठा तुका कृष्ण सत्व रजस्तम तो अर्जुन ने पूछा हे hey कृष्ण जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है है ना वे है रजोगुणी है या तमोगुणी तो हम देखते हैं समाज में बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि वो शास्त्रों के अनुसार नहीं कार्य करेंगे वो बोलेंगे नहीं नहीं हमको तो ऐसे ही अच्छा लगता है हमको तो इस प्रकार की पूजा करना ही अच्छा लगता है हम शास्त्रों का वगैरह जो कुछ उन्होंने बताया है उसके अनुसार ही क्यों चले हम अपने मन से करेंगे हम अपनी श्रद्धा रखेंगे है ना अपनी श्रद्धा के अनुसार हम करेंगे ऐसे बोलने वाले बहुत लोग मिलते हैं ठीक है तो उस उसके बारे में अर्जुन अभी प्रश्न कर रहे हैं कि उनकी श्रद्धा तो है लेकिन वो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते वे अपने मन गणंत नियम बनाते हैं और उसके अनुसार पूजा करते हैं तो उनका क्या कौन सी स्थिति है उनकी क्या वे तमोगुणी है क्या वे रजोगुणी है या सतोगुणी है हा? तो इस प्रकार का ये प्रश्न है और भगवान उत्तर देंगे बहुत विस्तार से श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभाव सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है सतोगुणी रजोगुणी अथवा तमोगुणी अब इसके विषय में मुझसे सुनो हाँ तो जिस जो गुण उस व्यक्ति के होंगे उसी प्रकार उसकी जो मन गणंत जो श्रद्धा है मन गणंत विधि विधानों का वो पालन कर रहा है और उसके अनुसार उसका जीवन चल रहा है तो उसकी श्रद्धा उसके खुद के गुणों के अनुसार ही होगी अगर वो सतोगुणी व्यक्ति है तो सतोगुणी होगी उसकी श्रद्धा भी और रजोगुणी है तो उसकी श्रद्धा भी रजोगुणी होगी और अगर वह तमोगुणी है तो उसकी श्रद्धा भी तमोगुणी होगी ऐसा भगवान बताते हैं तो यहाँ पर दो लाइन पढ़ लेते हम श्रीला प्रभुपाद द्वारा लिखी हुई जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखता वश इनका पालन नहीं करते वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं वे अपने रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती है यानी गुणों के साथ हमारा जो संग है वो शाश्वत है उसको हम बदल सकते हैं अगर हम प्रामाणिक गुरु के पास जाए उनका उनका आशीर्वाद ले उनकी उनसे शिक्षा ले तब हम अपने गुण बदल सकते हैं है ना लेकिन नहीं तो ये गुण जो है वे भी यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चल रही है। लेकिन कभी कभी वो अपने गुण बदलता भी है ज जिस प्रकार से लेकिन मनुष्य जन्म में तो वो निश्चित रूप से बदल सकता है कैसे बदल सकता है अगर वो प्रामाणिक गुरु की शरण में जाए तो हुँ? फिर भगवान बोल रहे हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयो यम पुरुष पुरुषो यो यदृच्छ स एव सः हे भरतपुत्र विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार आ, मेरा आवाज आ रही है ना ये अनस्टेबल बोल रहे हैं इंटरनेट जी माता जी जी माता जी थोड़ी बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है बस बाकी आ रही तो, है तो, 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 ठीक है जी हे भरत पुत्र विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है हम्म तो जो गुण है उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा रहेगी ऐसा संक्षेप में इसका अर्थ निकलता है यजंते सात्विका देवान यक्ष रक्षा सी राजसहा प्रेतान भूत गेताम सातो सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूछते हैं रजोगुणी यक्षो व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूछते हैं ये वाला ये अर्थ रहने वाला एक श्लोक हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कौन से अध्याय में मुझे याद नहीं आ रहा है हो सकता है सातवें या नौवें अध्याय में हमने पढ़ा है कि सतोगुणी व्यक्ति जो है वो देवताओं को पूजते हैं रजोगुणी यक्षों राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी जो है वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो देवताओं यानी ये सब सकाम कर्मी होते हैं बेसिकली सकाम कर्मी है तो ये लोग कैसे जैसे सतोगुणी व्यक्ति है तो वो कौन से देवी देवताओं के पास जाएगा उसको ऐसा लगेगा कहीं से सुना हुआ या कहीं से पता चला है उसको कि ये देवताओं का पूजन करने से हमारी ये इच्छा पूरी होती है निश्चित रूप से है ना मन्नत भी मांगते हैं लोग देवी देवताओं की पूजन करने के बाद उसमें और इस प्रकार से पूजन करते हैं तो अगर देवताओं को पूछते हैं कुछ सकाम कर्म से ही भले लेकिन वो श्रद्धा उसकी श्रद्धा है और रजोगुणी लोग क्या करते हैं जनरली यक्ष और राक्षसों की पूजा अब आप बोलोगे कि यहाँ पर और, र, और से? लेकिन जो आ, हम देखते हैं समाज में बहुत पैसे वाले लोग होते हैं बहुत वरिष्ठ पद पर के लोग होते हैं लेकिन भयंकर अहंकारी होते हैं लेकिन चूंकि वे बड़े पद पर है या बहुत पैसे वाले है या कोई मिनिस्टर वगैरह है तो सामान्य लोग उनकी भी पूजा करते हैं इसलिए कि हो सकता है उनको खुश करने से मुझे कोई अच्छा पद मिल जाए या कुछ पैसे मिल जाए या इस प्रकार कुछ मतलब उनकी इच्छा पूरी हो जाए इसलिए वे ऐसे लोगों की भी पूजा करते हैं मनुष्य ही है वो लेकिन उनकी भी पूजा करते हैं जो नहीं करनी चाहिए तो ये कौन सा हुआ ये श्रद्धा कैसी हुई ये रजोगुणी श्रद्धा हुई और तमोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं भूत प्रेतों को पूजते हैं तो ऐसे लोग जनरली जो हम देखते हैं एकदम निम्न श्रेणी के जो लोग होते हैं कुछ होते हैं तो वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जंगल में जाते हैं कुछ भूत प्रेतों की पूजा करते हैं कभी कभी लोग बा, बात बताते हैं और ये जंगल में वो एक बरगद का पेड़ है ना उस पर भूत है तो फिर लोग जाते हैं वहां पर और वो भूत को प्रसन्न करने के लिए फिर पूजा करते हैं तो ये सब क्या है ये तमोगुणी व्यक्तियों के चिन्ह है और उनकी श्रद्धा भी तमोगुणी ही कहलाती है हु? अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनः दंभा हंकार संयुक्तः काम राग बलान्वितः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः तान् विद्यासुर निश्चयान् हाँ तो क्या बोला है जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं वे असुर कहे जाते हैं तो असुरों की ये बात बताई गई है और असुरों की तपस्या किस प्रकार की होती है ये बताया गया है यहां पर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है तपस्या के बारे में तो ये असुर की तपस्या यानी बेसिकली तामसी लोगों की तपस्या है तो वो क्या होते हैं दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर उनमें बहुत दंभ रहता है कि दंभ यानी क्या बताया था पिछले अध्याय में हमने देखा था दंभ यानी वे धार्मिक उतने नहीं है जितने वो दिखाते धार्मिक है ही नहीं लेकिन दुनिया में शो बहुत करेंगे उसका दंभ कि मैं धर्म के बारे में बहुत जानता हूं मैं बहुत धार्मिक हूं इस प्रकार झूठ मूठ का जो प्रदर्शन होता है उसे दंभ कहते हैं हाँ और अहंकार अहंकार किस चीज का पैसा रूप है ना इस प्रकार के जो भौतिक चीजें हैं उसके बारे में बहुत या मैं बहुत शिक्षित हूँ इस प्रकार के जो बलगना करते हैं वो अहंकारी होते हैं हाँ तो ये दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं करते हैं कठोर व्रत करते हैं तपस्या बहुत कठोर तपस्या लेकिन वो कैसी है शास्त्रों के विरुद्ध जाकर है ना तो शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये ये दिन को आपको उपास करना ही है है ना कि गुरुवार को उपास करना ही है लोग कोई तो भी सकाम कर्म मतलब मन में ठान करके और कुछ भौतिक इच्छा ये करके ऐसे उपास करते हैं व्रत रखते हैं या तपस्या भी करते हैं तो हम कभी कभी देखते हैं कोई लोग एकदम गर्दन को जमीन में धसा कर और अपने शरीर को बहुत कष्ट देकर जमीन में धसा लेते सिर और उल्टा वो शीर्षासन करते हैं तो ऐसी तपस्या करने का कहीं विधान नहीं है शास्त्रों में लेकिन ये लोग एक तो दुनिया को दिखाना देखो मैं कितना धार्मिक हूँ कि मैं ऐसी तपस्या कर रहा हूँ और दूसरा एक अहंकार उनमें है है ना तो ये ये इसके कारण ये ऐसे प्रेरित होते हैं कि इस प्रकार की तपस्या करते हैं हैं तो लेकिन भगवान बोल रहे हैं, वे मूर्ख है। जो मूर्ख है है जो तथा शरीर के भौतिक तत्वों को भी तकलीफ दे रहे हैं और तो और शरीर के अंदर हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा स्थित है उसको भी दुख दे रहे परमात्मा भी सोचते हैं क्या कर रहा है ये ऐसे करने की आवश्यकता क्या है मैंने कहा ऐसे बोला है कि इस प्रकार की तपस्या करो तो परमात्मा भी कष्टी हो जाते बेचारे तो ऐसे लोगों को कहते हैं असुर हाँ यहाँ पर थोड़ा सा राजनीतिक उपवास को भी उल्लेख किया है राजनीति से प्रेरित होकर भी कई लोग उपवास करते हैं ना कि हमारी मांगे पूरी होनी ही चाहिए नहीं तो हम उपवास करेंगे तो इसका कहीं भी उल्लेख शास्त्रों में नहीं है हम तो बहुत देखते हैं आजकल है ना ये ये चाहिए आरक्षण चाहिए ये ये चाहिए और लोग उपवास करने लगते हैं लेकिन इसका शास्त्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है ये शा, शास्त्र विहीन है हम्म तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि इस ऐसे तपस्या और व्रत करने से शरीर को भी तकलीफ होती है और तो और शरीर के अंदर हमारे हृदय हमारे परमात्मा को भी बड़ी तकलीफ होती है फिर ये बताया तपस्या का अब बता रहे हैं आहार के बारे में हम्म तो आहार कैसा होता है हर जो गुण है उसके अनुसार आहार भी बदलता है लोगों का तो अभी बताएंगे कि सत्व गुणी लोग क्या खाते हैं रजोगुणी लोग क्या खाते हैं तमोगुणी लोग क्या खाना पसंद करते हैं आहारस्वी सर्वस्थ त्रिविधो प्रियस्तपस्था दानम तेज भेद इमं शुणु यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है अब उनके भेद के विषय में सुनो तो अभी हम क्या सुनने जा रहे हैं कि तीनों गुणों के लोग किस प्रकार का अलग-अलग खाना पसंद करते हैं फिर तीनों गुणों के लोग किस प्रकार के यज्ञ करते हैं कैसे तपस्या करते हैं और कैसे दान करते हैं ये सब के बारे में हम अलग-अलग गुणों के बारे में अलग-अलग सुनेंगे अभी भगवान सबका भेद बताएंगे तो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनिथिरा हृदय आहार सात्विक प्रिय जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है तो हम देखते सात्विक लोग कैसे खाते हैं आ, आप लोगों ने लेवल वन में देखा होगा कि सात्विक लोगों की थाली कैसी दिखती है उसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन रहेगा दाल चावल सब्जी रोटी कुछ मीठा भी रहेगा और कुछ सैलड भी रहेगा है ना इस प्रकार का जो दही भी रहेगा इस प्रकार का जो भोजन होता है तो वो कैसा होता है एक तो उससे हेल्थ अपनी अच्छी होती स्वास्थ्य वर्धक होता है आयु बढ़ती है ऐसे उससे हाँ और सुख और तृप्ति मिलती है ऐसा शुद्ध सात्विक भोजन करने से हमको एक प्रकार की तृप्ति मिलती है तो ये भोजन जो है वो रसमय हाँ, और को भाने वाला होता है एकदम तृप्ति मिल जाती है हुँ? तो ये ये हुआ सात्विक भोजन अब दूसरा कैटेगरी आई रजोगुणी लोगों की उनको क्या पसंद है उनको बहुत चटपटा पसंद है तो वे क्या कैसे खाते हैं अम्ल लवणा त्युष तीक्षण आहारे दुख शोका ये दुख और शोक देने वाला है खाना ये कैसा रहता है अत्याधिक तिक्त खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं तो ऐसे लोगों को ये स्ट्रीट फूड है ना चाट और चटपटा जो खाना है है ना ऐसा इन लोगों को बहुत पसंद आता है लेकिन उसका परिणाम क्या होता है वो बाद में उनको तकलीफ होती है दुख और शोक और रोग उत्पन्न होते हैं ऐसा खाना खाने से ठीक है तो ये हुए रजोगुणी लोगों का खाना और तामसी लोगों का कैसा है या गतरसं पूति पीर्यु तामस तामसी को कैसा पसंद है खाने से तीन घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं अब ये अस्पृश्य वस्तुओं का किसके बारे में बताया है ये नॉन वेजिटेरियन के बारे में बताया है? बता है ना तो उसमें मांस मछली वगैरह ऐसे चीज जिनको जिनको अस्पृश्य बोला है भगवान ने तो ऐसे खाने से युक्त जो भोजन है और कैसा खाने से तीन घंटे पूर्व पकाया गया तो आप बोलोगे यहाँ पर तो हमको सबको तीन घंटे से ज्यादा पहले हुआ खाना खाना पड़ता है बच्चे स्कूल ले जाते हैं टिफिन और बाकी के लोग ऑफिस ले जाते हैं टिफिन जो पहले सवेरे से बना हुआ रहता है तो उसका क्या करे तो क्या तामसी में आएगा जी हाँ वो तामसी में आएगा अगर आपने उसको भगवान को, तो। को भोग नहीं चढ़ाया तो अगर भगवान को भोग चढ़ा चढ़ाते हैं तो चार पाँच छह घंटे भी वो तामसी में नहीं आएगा वो नहीं आएगा लेकिन हाँ जब सड़ान नेचुरल सड़ान जब आएगी तब अलग बात है लेकिन वैसे उसको तामसी नहीं माना जाएगा अगर आपने पहले उसको भोग चढ़ाया है तो ठीक है तो ये तीन घंटे पूर्व का हो गया फिर ऐसा खाना कैसा होता है स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन तामसी लोगों को प्रिय होता है तो ये ये भोजन ऐसा भोजन अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त हम कभी भी भगवान को नहीं चरा सकते भगवान ने क्या बोला है नवे अध्याय में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः ऐसा बोला है नवे अध्याय में कि मुझे क्या दे सकते हो पत्र पुष्प फलम तोयम है ना पत्र और फूल और फल और जल ये चार चीजें आप मुझे भोग में अर्पित कर सकते हो लेकिन कैसे देना होगा प्रेम और भक्ति के साथ प्रेम और भक्ति के साथ दिया हो सादा, से सादा भोजन भी भगवान प्रेम से ग्रहण करते हैं और कैसे ग्रहण होता है ये क्या वे एक्चुअल में खाते हैं हाँ वे दृष्टि डालते हैं उस पर और उनको वो खाना आ, मिल जाता है क्योंकि भगवान के अंगों का वर्णन कैसा किया है ब्रह्म संहिता में बोला गया है अंगानीय सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यंती पांति कलयंती चिरंजगंती आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि वहां बोला गया है कि अंगानी यश सकल इंद्रिय वृत्ति मनते वो कोई भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं तो उन, उनके लिए हम ऐसा नहीं सोच सकते कि खाना तो वहीं का वहीं रखा है और भगवान ने कहा खा लिया उसको हम क्यों बोल रहे ऐसे कि भगवान ने खा लिया हा? लेकिन उनका कोई भी अंग कोई भी काम कर सकता है जैसे वे हमने पिछले अध्याय में देखा था ती, ते, अध्याय में कि वे केवल दृष्टिक्षेप डालते हैं अपना ग्लांस डालते हैं और महत्व को गर्भित करते हैं है ना प्रकृति को गर्भित करते हैं और उससे फिर सारी सृष्टि का सृजन होता है ये हमने देखा ना तो आंखों से वे गर्भित करते हैं वैसे यहाँ पर शायद आंखों से खाना खाते होंगे लेकिन खाते हैं जरूर अगर हमने प्रेम और भक्ति से उनके उनको अर्पित किया है दो चीजों के भूखे हैं भगवान सिर्फ है ना प्रेम और भक्ति बस वो मिल जाए तो भगवान एकदम प्रसन्न रहते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तामसी लोगों को प्रिय रहने वाला खाना है जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है अब यहाँ पर जूठन की भी बात आई है।, है ना जूठा जु, अब ये जूठा है ना मनुष्य या दूसरे प्राणी उसे ने पहले ही खाया हुआ भोजन को हम झूठा बोलते हैं लेकिन हम जानते हैं हम जब भोग चढ़ाते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि ये भगवान ने खाया है तो भगवान जूठा नहीं ये हाँ भगवान का उच्चिष्ट है ये लेकिन वो अत्यंत पवित्र होता है क्योंकि वो भगवान का उच्चिष्ट है वैसे ही बड़े बड़े आचार्य के जो शिष्य होते हैं ना वे अपने आचार्यों का जो जूठन है वो खाने के लिए तरसते हैं क्योंकि उसमें एक दिव्य शक्ति आ जाती है जो बड़े बड़े भक्त होकर गए उनके सारे शिष्य उनके आ, मतलब उच्चिष्ट खाने के लिए तरसते थे नारद मुनि का भी ये बताया जाता है कि उनकी प्रगति कैसे हुई आध्यात्मिक प्रगति वो तो एक शूद्र के घर में पैदा हुए थे एक नौकरानी के घर में पैदा हुए थे और जो नौकरानी दूसरों के घर में जाकर काम करती थी ना ऐसे घर में भी पैदा हुए थे लेकिन जब ये नारद मुनि भी उनके साथ ही रहते थे छोटे से थे पांच साल के तो एक बार क्या हुआ चातुर्मास में बहुत सारे साधु संत लोग उस गांव में आए थे और वहां पर ये जो इनकी माँ थी नारद मुनि की वो वहां पर उनकी सेवा करने जाती थी उनके जो छुटपुट काम होते हैं वो सब करने जाती थी और नारद मुनि भी उनके साथ ही जाते थे तो नारद मुनि क्या करते थे अः उनकी छोटी छोटी सेवा करने लगे पांच साल के ही थे तो छोटे छोटे काम करने लग गए उनसे उनके कि उनके कभी पानी ला दो कभी उनको ये कुछ चाहिए है वो ला दो है ना कुछ इस प्रकार के छोटे मोटे काम करके उनकी सेवा करने लग गए लेके और उनकी बातें सुनते थे वे तो साधु संघ का ये बहुत बड़ा असर होता है तो नारद मुनि ने उस साधु संघ का उन्होंने पूरा फायदा उठाया फिर वो बातें भी सुनते थे आध्यात्मिक और तो और उन्होंने परमिशन वो उनके बर्तन भी मांझते थे उनके खाए हुए तब उन्होंने परमिशन ली उनसे उनसे पूछा कि क्या मैं आपका उच्चिष्ट ग्रहण कर सकता हूँ तो उन्होंने उनको परमिट किया हाँ तब वे उनका उच्चिष्ट भी खाने लग गए और उसके कारण उनकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत ज्यादा हुई तुरं, तुरंत तुरंत हो एकदम एक तो साधु संग दूसरा उनके पूरा श्रवण करते थे और तीसरा उनका उच्चिष्ट खाते थे तो इस प्रकार उनकी अध्यात्मिक प्रगति बहुत जल्दी जल्दी हुई और फिर क्या हुआ कि थोड़े ही दिनों बाद वो चार महीने वहां रहे साधु लोग है ना क्योंकि चातुर चातुर्माश चल रहा था चतुर्मास में जनरली साधु लोग या कोई भी मतलब एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाते क्योंकि बरसात का सीजन रहता है और बहुत सारे प्राणी निकलते हैं फिर साधु लोगों को लगता है कि अपने पैरों तले कोई प्राणी मर जाएंगे इसलिए हमेशा चतुर्मास में साधु लोग एक ही जगह पर निवास करते हैं तो क्या हुआ कि वो साधु लोग तो चले गए उसके बाद अचानक उनकी माँ को सर्पदंश हुआ साप काट लिया और उनके माँ की मृत्यु हो गई अब हुआ क्या ये तो अकेले थे बेचारे पांच साल के बच्चे तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए और उनको तो आध्यात्मिक प्रगति में मतलब आध्यात्मिक जगत में उनकी इतनी रुचि बढ़ गई थी उन्होंने सोचा मैं तो जंगल में जाऊंगा और तपस्या करूंगा हा? तब वो वहां से निकले और अकेले बहुत दूर के जंगल में जाकर उन्होंने तपस्या की तो ये मैंने इसलिए बताई कहानी आ, का महत्व जूठा जूठा जो है वो सिर्फ मनुष्य या प्राणियों के बारे में बताया है लेकिन अत्युत्कृष्ट ऐसा उच्चिष्ट किसका है एक तो भगवान का जो प्रसाद बन जाता है और दूसरा आचार्यों का साधु संत लोगों का भी उच्चिष्ट बहुत पवित्र माना जाता है ठीक है जैसे हम देखते हैं वैसे तो हर एक की हर प्राणी की विष्ठा जो है मल जो है वो अत्यंत अपवित्र माना जाता है लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि गाय का जो मल है गोबर है वो बहुत पवित्र और शुद्ध है और वो असली में वैसा है है ना तो जो शास्त्रों में लिखा रहता है ना उसमें हमने कभी शंका नहीं लेनी चाहिए कितने साइंटिफिक रिसर्च हुए और उसमें पता चला कि वाकई में गोबर में तो इतने सारे औषधि गुण हैं हुँ? बाकी किसी भी प्राणी का किसी भी प्राणी का आ, जो मल है वो एकदम अपवित्र माना जाता है केवल गाय का मा, अच्छा माना जाता है और यही शास्त्रों में लिखा हुआ है तो इसलिए शास्त्रों में जो लिखा है वो अभी हम लोग समझ नहीं सकते उसका अ, कितना महत्व है और कितना सत्यता रहती है उसमें ये हम लोग अभी तक समझ नहीं पाते हैं ठीक है थीके? फिर आगे बढ़ते हैं अब यज्ञ के बारे में बताएंगे हाँ, अभी तक हमने भोजन के बारे में देखा और शुरू में हमने तप के बारे में देखा था कि असोरी तप कैसा होता है वो देखा था और फिर तीन प्रकार के भोजन के बारे में हमने देखा अब यज्ञों के बारे में देखते हैं क्या बोलते हैं भगवान अफलाकांक्षी इज्जते ये वेति मन समाधा सात्विक में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हम्म तो मन में फल की इच्छा किए बिना यानी सकाम नहीं निष्काम निष्काम यज्ञ उसमें उसको फल की इच्छा नहीं है और कैसा यज्ञ है ये कि शास्त्रों में वर्णित जो विधि विधान है उनका अनुपालन करके आ और फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य समझकर जो यज्ञ होते हैं उन्हें सात्विक यज्ञ कहा जाता है हम्म बिना किसी इच्छा के फिर दूसरा क्या है अब राजसी देखेंगे अभी संधायतु फलम दंभार्थमपि चैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसं लेकिन हे भरत श्रेष्ठ जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो हुं? तो भौतिक लाभ के लिए राजसी लोग तो क्या करते हैं राजसी लोगों की तो इच्छाएं आकांक्षाएं असीम रहती है उनका कभी अंत ही नहीं होता तो ऐसे लोग फिर कुछ और इच्छा पूरी करवाने के लिए वो क्या करते हैं यज्ञ करते हैं या फिर दूसरों को समाज में दिखाने के लिए गर्ववश है ना गर्व के कारण वो करते हैं ठीक है फिर तीसरा आएगा तीसरी कैटेगरी तामसी विधि हीनम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते तो ये यज्ञ कैसा है भाई ये है जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है तो यहाँ पर वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन मानने को तैयार नहीं है क्या क्या है एक तो शास्त्रों में जो लिखा है उनका अनदेखी करना अवहेलना करना फिर प्रसाद तो होना चाहिए जब यज्ञ करते हैं पूजा करते हैं तो एक प्रसाद होना चाहिए भगवान को चढ़ाया है वह भोग, वो वो प्रसाद के तौर पर वितरण करना चाहिए भी नहीं करना है वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी नहीं ये वैदिक मंत्रों के उच्चारण का बहुत महत्व है क्योंकि उसमें बहुत ताकत होती है आप लोगों को पता होगा कि पहले जमाने में अः मतलब इसमें नहीं कलयुग में नहीं लेकिन त्रेता युग में बलि वगैरह देते थे है ना त्रेता युग में बलि चढ़ाई जाती थी तब अप, अप, कई लोग अपने धर्म के मतलब अ, सनातन धर्म के अगेंस्ट में जो बोलते हैं वो बोलते है, तो तुम्हारे धर्म में तो इतनी हत्याएं करते हैं बलि चढ़ाते हैं है ना यज्ञ में बलि चढ़ाते हैं तो फिर वो हिंसा नहीं हुई क्या लेकिन प्रभुपाद जी ने समझाया है वो हिंसा नहीं है वहां पर एक्चुअली जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो मंत्रों को टेस्ट किया जाता है ऐसे यज्ञ करके कैसे कि कोई जैसे बहुत बूढ़ा कोई जानवर है उसका बलि देंगे जो बिल्कुल अभी मतलब जीवित रहने योग्य भी नहीं है इस प्रकार का बूढ़ा जानवर या बीमार जानवर उसका बलि देते थे और मंत्रोच्चारण के साथ और तुरंत उसको आ, मतलब मानव जन्म मिलता था तुरंत उसकी योनि अपग्रेड हो जाती थी हा? नहीं तो तो कितनी योनियों में प्रवास कर कर के कर कर के वो मानव योनि तक पहुंचेगा लेकिन जब उसका बलि दिया जाता था और मंत्रोच्चार इतने उनके शुद्ध रहते थे और मतलब ताकतवर रहते थे मंत्रोच्चार कि उसके कारण उस जीव को एकदम से मनुष्य जन्म मिलता था तो इसलिए वो हिंसा बिल्कुल नहीं होती थी तो यहाँ पर जो तामसी लोग है वे क्या कर रहे हैं वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना यज्ञ कर रहे हैं फिर पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना अब जो पुरोहित आते हैं जो यज्ञ वगैरह करते हैं उनको दक्षिणा देना भी आवश्यक होता है हम्म लेकिन वो भी नहीं करते और श्रद्धा के बिना करते हैं तो ऐसा यज्ञ कैसा माना जाता है तामसी माना जाता है हम्म अब ये तप के बारे में बताएंगे कि सत्वगुणी लोग कैसा तप करते हैं रज, रजोगुणी कैसा करते हैं तमोगुणी कैसा करते हैं अलग अलग कैटेगरी सबसे पहले, सब पहले तमोगुणी लोग कैसे तप करते हैं मतलब जो शास्त्रों में नहीं लिखा कुछ नहीं और केवल अपने देह को तकलीफ देते हैं अंदर के परमात्मा को तकलीफ देते हैं ये हमने देखा फिर खाना किस प्रकार का भोजन किस प्रकार का पसंद है वो तीन देखे फिर उसके बाद क्या क्या देखा हमने उसके बाद यज्ञ के बारे में सुना कि तीन प्रकार के लोग किस प्रकार से अलग अलग यज्ञ करते हैं अब हम देखेंगे तप हम्म देव दिज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा शारीरम तप उच्चते परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है शारीरिक तपस्या को यहाँ पर डिफाइन किया क्या, क्या क्या करना है हमको जो हमसे श्रेष्ठ लोग हैं जैसे परमेश्वर तो सब सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर फिर वो ही आ, समाज में जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल का जो माना जाते हैं है ना क्योंकि वे अः पठन पाठन वेदाध्यन इनमें रुचि रखते हैं उनको जिनको ब्राह्मण बोलते हैं तो ब्राह्मणों की गुरु माता पिता ऐसे सबकी जो पूजा करता है और शुद्ध रहता है और सरलता कपट नहीं है सरल है और ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है तपस्या के ये भेद बताए जा रहे हैं ये शारीरिक तपस्या हुई फिर ये शारीरिक हुई अब ये वाणी की तपस्या अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी की तपस्या है तो वाणी के तपस्या में ये सब बातें आती है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वैदिक साहित्य का नियमित पारायण तो हम लोगों ने नियमित कम से कम गीता के कुछ लोग तो रोज के बोलना चाहिए कुछ उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने जो दिया है सुंदर तात्पर्य वो थोड़ा पढ़ना चाहिए ठीक है और दूसरों से व्यवहार करते समय कैसे सच्चा बोलना तो आवश्यक है लेकिन सच्चा होने के साथ वो हो कैसा होने वा, होना चाहिए ouais? भाने वाला सामने वाले को तकलीफ देकर या सामने वाले को गुस्सा दिलाने वाला सच भी रहे लेकिन सामने वाले को अगर गुस्सा आ रहा है तो ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहिए फिर हितकर भी रहे सामने वाले को कि उसका भला करने क, क, करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए और दूसरों को क्षुब्ध न करने वाले है ना दूसरों के मन में एकदम क्रोध उत्पन्न करने वाले ऐसे वाक्य हमें नहीं बोलना चाहिए तो ये हुआ हमारा की तपस्या फिर मन प्रसाद सौ मौनम आत्म विनिग्रह भाव तपो तपोमान समुचते तथा संतोष सरलता गंभीरता आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्या है वाणी की तपस्या हुई शरीर की तपस्या हुई अब ये मन की तपस्या क्या करना है मन में संतोष हमेशा रहे और सरलता रहे कपट ना रहे किसी के बारे में कुछ बुरी भावना ना रहे गंभीरता हाँ यानी उचरुंखल नहीं रहे कि कुछ भी बोल दिया कहे मतलब कुछ भी एक्शन कर दी कुछ भी मन में विचार आ गए इस प्रकार ने गंभीरता से हमारा मन शांतता में रहे है ना और आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ठीक है ये सब आ, मन की तपस्याएं हैं फिर आगे भगवान बोल रहे हैं श्रद्धया पर या तप्तम तपस्तत्र विधम नरे नरे ही अफलाकांक्षी भीर युक्त ही सात्विक परिचक्षते भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्ध श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है तो कौन से कौन से शरीर मन और वाणी ये जो तपस्या है वो तपस्या सात्विक कहलाती है और उसके साथ क्या होता है भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या है जो हमने देखी अभी कौन सी कौन सी आ, मन वाणी और शरीर फिर आगे बढ़ते हैं सत्कार मान पूजार्थम तपोदं चैवयत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चल जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत हुँ? तो दंभ पूर्वक जैसे हमने पहले भी देखा था दंभ पूर्वक समाज में अपना कुछ दिखाने के लिए कि मैं कितना धार्मिक हूँ ये दिखाने के लिए जो होता है वो कहलाता है और दूसरा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए कि कि लोग मेरा सम्मान करें कि मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ सत्कार करे है तो इस प्रकार का ये राजसी कहलाता है ये स्थायी भी नहीं है और शाश्वत नहीं है मूढ़ ग्राहणात्मनोयत पीड़या क्रियोत्था तत्ताम समुदार मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है है ना तामसी लोग तो दूसरों को कष्ट देने के लिए खुद के लिए अच्छा सोचकर भी नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को तकलीफ हो ऐसा सोच कर ये लोग जनरली करते हैं तो दूसरों का हानि पहुंचाने के लिए हा? मूर्खता वश इसमें कोई उनका लॉजिक नहीं है कोई विवेक नहीं है और केवल मूर्खता में आकर वे ऐसी तपस्या करते हैं ऐसी तपस्या कहलाती है तामसी अब दान के बारे में भगवान बताएंगे दातव्यमिति यत्दानं दियतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं श्रुतं जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है हुँ? तो एक तो कर्तव्य समझकर तो हमारा कर्तव्य क्या क्या है एक तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे साथ साथ हमारे आ, समाज का भी कुछ आ, उन्नति हो ये एक कर्तव्य है हमारा भी है ना जब हम थोड़े से कृष्ण भावनामृत में आ गए हैं तो हमको ये समझने लगा है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, है ना तो इसलिए जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि मनुष्य जन्म हो भारत जन्म भूमि थे मनुष्य जन्म हो करी परोपकार क्या क्या है वो करी परोपकार मैं देखो मैं भूल गई लेकिन उसका मतलब यह है कि आप कितने भाग्यवान हो एक तो मनुष्य जन्म मिला वो भी भारत भूमि में तब फिर आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप परोपकार करो हाँ तो कैसा परोपकार करो कृष्ण का नाम देकर कृष्ण की भक्ति देकर आप परोपकार करो तो यही श्रीला प्रभुपा जी ने किया है ना भारत भूमि में जन्म लिया मनुष्य जन्म मिला और इतना आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया तो वो केवल अपने पास नहीं रखा वे विदेशों में गए और इतने कष्ट सहन करके उन्होंने लाखों लोगों को यह आध्यात्मिक जीवन का वरदान दिया है ना कितना बड़ा उन्होंने काम किया है बहुत ही बड़ा हम जब पढ़ते हैं उनके बारे में हम जब जानकारी हासिल करते तब हमको समझता है इतना महान काम तो वाकई में इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता ऐसा काम किया है नहीं तो अपने यहां तो पुरस्कार तो किसी को भी दे देते पीस प्राइज नोबेल पीस प्राइज लेकिन ये तो इससे महान है बहुत ही महान है जिसको अभी तक दुनिया समझ नहीं रही है कि कितना महान काम किया हर देश में उन्होंने मंदिर स्थापन किए हैं हर देश में उनके शिष्य है और हर देश में लोग कृष्ण भावनामृत का प्रसार प्रचार कर रहे हैं लोग जुड़ रहे हैं बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं ठीक है ना? तो ये तो सबसे बड़ा काम हुआ तो जो दान जो दान कर्तव्य समझ कर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना है ना कुछ रिटर्न में मिले ऐसी तो कुछ अपेक्षा थी ही नहीं उनकी वे तो केवल देने गए थे जब वे अमेरिका में उतरे और किसी ने पूछा उनको कि आप क्यों आए हैं अपना देश छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हैं तो उन्होंने बोला कि टू मेक यू पीपल इंटेलिजेंट जिस आप लोगों को बुद्धिमान बनाने के लिए आए हो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है भक्ति करता है तो उन्होंने बोला कि समझ कर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है तो एक तो आपने हमने सबने देखना चाहिए कि वो योग्य समय भी होना चाहिए योग्य स्थान भी होना चाहिए और तो और योग्य व्यक्ति जरूर होना चाहिए नहीं तो दान जो है जैसे हम रास्ते से जाते हैं तो इंडिया में तो बहुत भिकारी लोग है ना चौराहे पर अपनी गाड़ी खड़ी हो गई तो आ जाते हैं छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं लेकिन होता क्या है हम दया में दया भाव रख करके हम जरूर उनको थोड़ा कुछ दान देना चाहते हैं और पैसे अगर हमने दिए तो उन पैसों का कभी सदुपयोग होता है क्या नहीं हम जानते हैं कि अपने यहाँ पर कितने हैं जो बच्चों को तकलीफ देकर उन, उनसे भीख मंगवाती है और फिर उस पैसे का होता क्या है बहुत दुरुपयोग होता है है ना नशा पानी और भी बुरे धंधे कभी कभी तो आतंकवाद करने के लिए भी उसका उपयोग होता है तो आ, ये तो मतलब ये वो वो सारा पाप हमको भी तो आधा मिलता है क्योंकि हमने भी तो उसमें कंट्रीब्यूट किया है तो वो पाप भी हमको मिलता है इसलिए हमने दान देते समय बहुत सावधानी से देना चाहिए या तो उसी समय उसको अन्न दान करो कोई फल लेकर दे दो या आपके पास कुछ बिस्किट्स रखो और ऐसे दे दो मेरा खुद का अनुभव है मैं ऐसे बॉम्बे में मैं कार से जाती थी तो चौराहे पर आ जाते थे तो मैं बिस्किट्स के पैकेट्स रखने लगती थी लेकिन वो बच्चे मना करते थे हमको ये नहीं चाहिए हमको पैसे दीजिए बोलते थे क्योंकि उनको डर रहता था कोई उनको देखता रहता था और वो बोलते थे हमको बिस्किट नहीं चाहिए हमको पैसा दे दो तो इस प्रकार का अनुभव मैंने स्वयं में लिया है और ये होता है आप लोगों को भी शायद अनुभव आया होगा तो इसलिए दान देते समय योग्य व्यक्ति आपको बहुत सोच समझ के दान देना चाहिए इसलिए सबसे अच्छा दान जो होता है वो माना जाता है कि कृष्ण भावनामृत के प्रसार प्रचार के लिए आप दान दो उसका कभी भी गलत उपयोग नहीं होगा उसका समाज के लिए ही उपयोग हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा क्योंकि अन्नदान सतत चलता रहता है हर मंदिर में चलता रहता है अन्नदान तो वो अन्न साधारण अंग नहीं होता वो प्रसाद होता है और उससे जो उसको खाता है कुछ ना कुछ मात्रा में उसकी अध्यात्मिक उन्नति जरूर होती है हुँ? तो इसलिए दान देते समय हमने बहुत सोच समझ करके दान देना चाहिए आगे बढ़ते हैं यु प्रत्युपकाराथम वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदान राजस्मृतम अब राजसी लोग कैसा दान देते हैं हम देखेंगे किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी या राजस कहलाता है तो हमने कोरोना के समय में ऐसे उदाहरण बहुत देखे लोग क्या करते थे हाँ थैला भर करके फल और सब्जियां और दूसरे अनाज की सामग्री वगैरह ले जाते थे गरीबों में देते थे और साथ में क्या करते थे सेल्फी लेते थे सेल्फी लो या दूसरों से फोटोग्राफ करवाओ ठीक है और फिर उसको अपने ग्रुप में यहाँ वहाँ अपने दोस्तों में समाज में भेजते थे कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया तो ये क्या हुआ ये राजसी हुआ दान देते समय तो ऐसा देना चाहिए कि राइट हैंड ने दिया हुआ दान लेफ्ट हैंड को पता न चले किसी को भी पता न चले ये सबसे अच्छा होता है लेकिन जो जो राजसी लोग रहते हैं वो पब्लिसिटी जरूर करना चाहते हैं वृद्धाश्रम में जाएंगे बूढ़े लोगों को खाना खिलाएंगे बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके फोटो लेकर सिर्फ सबको भेजते हैं उससे उनका एक गर्भित जो उनका वो है भावना है वो हमको पता चलती है कि ये एक प्रकार का प्रत्युपकार हुआ चाहिए रिटर्न में वाह वाही। तो ऐसा जो है ये राजसी दान कहलाता है अदेशकाले यत्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं अवज्ञातं तत्तामसमुदानतम तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है तो इसका एक लेवल वन में एक चित्र आता था आप लोगों को शायद याद होगा तो जैसे एक भिकारी बैठा है भिकारी का अच्छा मतलब शर्ट पहन के अच्छे से बैठा है और उसने लिखा क्या है आई नीड मनी फॉर वीड्स यानी क्या मुझे नशा करने के लिए पैसे की जरूरत है और कोई लोग उनको पैसा दे भी रहे हैं तो ये क्या हुआ ये तो उनका दान जो है वो बिल्कुल ही तामसी हुआ क्योंकि आ, उन्होंने अयोग्य व्यक्ति को दान दिया है अयोग्य व्यक्ति को जो उसका इस्तेमाल खुद ही बता रहा है कि मैं तो इसका इस्तेमाल वीर्स लेने के लिए यानी नशा करने के लिए करने वाला हूं तो ये हुआ तामसी दान है ना तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे चार लाइने हैं यहाँ पर मद्यपान या दूत दू, क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है ऐसा दान तामसी है ऐसा दान लाभदायक नहीं होता वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है अब हमने पहले तो अयोग्य व्यक्ति के बारे में देखा लेकिन वो व्यक्ति योग्य है लेकिन इन्होंने अनादर से दिया है, है ना ऐसे बिना इच्छा के दिया है तो वह भी दान कैसा हो जाता है तामसी दान हो जाता है ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविध श्रुतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितापुरा सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी तो ओम तत्सत का महत्व बताया गया है कि ओम तत्सत बोल करके जो दान दिया जाता है वो पवित्र हो जाता है और ये ओम तत्सत ये शब्द पर ब्रह्मो को निर्देशित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे और ओम का तो हर वैदिक मंत्रों के शुरुआत में ओम ये रहता ही है और इस प्रकार से ये बताया गया है तो ओम एक्चुअली ओम तत्सत इसका ये बोलते हैं ओम यानी बिगिनिंग ऑफ एनी एक्टिविटी यानी कोई भी कार्य की शुभ शुरुआत करने के लिए ओम तत् एक्टिविटी ना एक्टिविटी जो हम कार्य कर रहे हैं उसको निर्देशित करती है और ओम तत्सत ये क्या करते हैं उसको अविनाशी बनाते हैं है ना उनको पवित्र बना के अविनाशी उस क्रिया को अविनाशी बनाते हैं इस प्रकार का यहाँ पर दिया जाता है तस्माद् ृत्य सततम् विधानोक सततम ब्रह्मवादीना जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं तो ओम का महत्व क्या है कि इससे हम कोई भी शुरुआत जो है अच्छे कार्य की शुरुआत वो ओम से करते हैं तदित्य निसंध्याल क्रिया दान विविधा क्रियंते मोक्ष कांक्षी भी मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को शब्द कहकर संपन्न करे ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव-बंधन से मुक्त होना होता है है ना तो ये एक्टिविटी जो करते हैं वो तत् तत्व असी बोलते हैं, ना? तो विविध प्रकार के यज्ञ यानी बिगिनिंग में हमने देखा ओम बोलते हैं और जो ये क्रिया होती है यज्ञ तप तथा दान को करके संपन्न करे ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्ति है सद्भावे साधु भावे सदित्य प्रयु सदित्य तत्प्रयुजते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छद पार्थ युज्यते यज्ञे तपसी दाने स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य क्या है परम सत्य यानी परमेश्वर और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है जिस प्रकार तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं सत्य है, है। सत्य ने क्या सत्य ने इटर्नल शाश्वत अविनाशी तो जब हम भगवान को लक्ष्य करके ये कार्य करते हैं यज्ञ दान तप है ना तो वो अपने आप वो कैसा बन जाता है अविनाशी बन जाता है शाश्वत बन जाता है सत्य बन जाता है तो इसलिए वो ओम तत्सत ये तीन शब्दों का महत्व है ओम है बिगनिंग किसी भी शुभारंभ करते समय ओम बोलिए और कार्य संपन्न करते समय तत् और ओम तत्सत सत्य यानी परमेश्वर को अर्पण करिए कोई भी दान का तो तब क्या होता है वो सारी क्रिया ही अविनाशी हो जाती है शाश्वत हो जाती है और और तो, और तो जो करता है जो संपन्न करने वाला है ये सारी क्रियाएं वो भी सत्य हो जाता है ठीक है ना तो ये ओम तत्सत का महत्व है अश्रद्धयाहुतम दत्तम तपस्तप कृतम चयत असिधि पार्थ पार्थ इह हे श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है ठीक है तो श्रद्धा के बिना तो जो भी तुम करो वो असत हो जाता है यानी टेम्पररी हो जाता है और वो व्यर्थ जाता है ना तो इस जन्म में फायदा होता है ना ही अगले जन्म में तो इस प्रकार ये सत्रहवा अध्याय हमारा श्रद्धा की विभाग ये खत्म हुआ ठीक है तो किसी को प्रश्न हो तो पूछिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा मेरी आवाज आ रही है ना हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा जी अब मैं ये पूछना चाहती कि जो अपन ये ओम का उच्चारण है ना उसका सही उच्चारण क्या है कैसे उच्चारण करना चाहिए उसका आपने जैसे किया अभी वैसे ही ओम बिल्कुल इसको उसको तो तीन टुकड़ों में अ कैसे बोलना चाहिए ओम ओम में ये तीनों अक्षर है ये तीनों अक्षर है उसमें लेकिन उच्चारण करते हम वही करते हैं ओम है ना वैसे ही करते हैं तो है है तो तीनों भी अक्षर उसमें ये बराबर बात है लेकिन उसको अलग-अलग उच्चारण करने की जरूरत नहीं है ये एक ही इसमें आता है एक ही शब्द में ओम ठीक जी हरे कृष्णा माता जी रश्मिता माता जी कुछ पूछना है हाँ हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा चैप्टर तो चैप्टर तो क्लियर है मेरे को पूछना था जो विष्णु जी के बारे में तीन तरह के कारण विष्णु और विष्णु जी जी वो थोड़ा नहीं हो पा रहा मैंने शुरू कौन सा विष्णु उनके बाद बाद कौन कौन और फिर उनके बाद कौन? जी माता जी मतलब। तो सबसे पहले तो देखो ती, ये तीनों पुरुषावतार कहलाते हैं ये जो तीनों जो विष्णु है कारण दसाई विष्णु गर्भोदी विष्णु और क्षीरोध कशाई विष्णु ये तीनों भी पुरुषावतार कहलाते हैं कृष्ण के तो पहले सबसे पहले कारण कसाई विष्णु जो आ, क्या करते हैं उनके श्वासोच्छ्वास और शरीर के छिद्रों से जो हवा निकाल निकलती है उससे असंख्य ब्रह्मांड निर्माण होते हैं ऐसा उनका उनका महत्व बताया गया है असंख्य ब्रह्मांडों की निर्मित होती है उनके केवल श्वास से ठीक है अब ये एक एक ब्रह्मांड में फिर वो क्या करते हैं गर्भोदाई विष्णु आते हैं हर ब्रह्मांड में एक गर्भोधक विष्णु है जो शेष नाग पर लेटकर गर्भोदक गर्भ का उदक यानी गर्भ के गर्भोदक ओशन बोलते हैं उसको समुद्र तो उसमें वे शेष नाग पर लेटे हुए हैं लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है और ऐसे आराम करने की स्थिति में उनके नाभि के नाभि से एक कमल डंडी निकलती है और उस पर सबसे ऊपर जो है वो ब्रह्मा जी को निर्माण किया जाता है हाँ ब्रह्मा जी हर ब्रह्मांड के लिए अलग अलग है ब्रह्मा जी भी एक जीव है हमारे समान ही हाँ और उनका भी आयु जो आयु है वो सीमित है ठीक है जैसे हमारी होती है फिर आ, ये ब्रह्मा जी को फिर आज्ञा दी जाती है कृष्ण के द्वारा कि वह आप सृष्टि का सृजन करें तो पहले क्रिएटर तो क्या है कौन है कृष्ण है लेकिन सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा जी है ओके फिर ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन करते हैं ब्रह्मा जी का जब जब उत्पन्न हुए तब केवल अंधेरा था और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या मतलब मुझे क्या करना है तब उनको अंतरिक्ष से सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया त प त हाँ तो यानी तप करो तब उन्होंने और सारा ज्ञान उनको हृदय से दिया गया तेने हृदय तेने ब्रह्म हृदय हृदया आदि कमले ऐसा बताया गया है भागवतम में आदि कवये हा? यत सूर्य तो उनको हृदय से वो ज्ञान प्रदान किया भगवान ने कि तुमको क्या करना है तब उन्होंने तप किया उनको पूरा वो ज्ञान मिला और तब उन्होंने सृष्टि का सृजन करना आरंभ किया और पूरे सृष्टि का सृजन किया अब जितने भी जीव उत्पन्न हुए उनके अंदर हर अणु में और हर जीव के अंदर एक और तीसरा पुरुषावतार आया वो कौन सा जिने हम के नाम से जानते हैं वो हर आत्मा के साथ स्थित है हर एक के हृदय में स्थित है चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा प्राणी हो या बड़ा से बड़ा प्राणी हो इतना ही नहीं प्राणी ही नहीं इवन डेड मैटर के भी अणु में वो है परमात्मा है क्योंकि वहां पर भी रोटे आप अगर साइंस की स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होगा वहां पर भी वो अः एटम्स में एटम्स में न्यूट्रॉन्स और क्या क्या रहते हैं मुझे इतना डिटेल में नहीं मालूम और वो वो भी रोटेट होते हैं जैसे ग्रह भी रोटेट होते हैं वैसे ही हर अणु के अंदर भी होता है तो वहां पर भी परमात्मा है ऐसा है तो इस प्रकार से ये तीन पुरुषावतार है जिनके कारण सारी ही सृष्टि चल रही है तो ये ये है तो हमारे अंदर जो है वो शिरोदक्षाय विष्णु है जी हाँ हमारे अंदर जो है वो शिरोदक्षाय विष्णु ठीक है माता जी और एक थोड़ा क्वेश्चन था वो भी अलग है मतलब जैसे हम लोग का चार युग फिर से चार युग होता है सत्यत्त्व त्यागवापर कली तो क्या हम जैसे त्रेत्या में जैसे राम जी का हुआ था द्वापर में श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था तो वही सेम चीज रिपीट होता है कि और क्या होता है नहीं सेम चीज रिपीट होगी वैसे ही हर युग में वैसे ही भगवान आएंगे ना ये रिपीट होगा हा, 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 जी जी बता जी धन्यवाद जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी 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 माता जी धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद प्रणाम माता जी मैं आउट स्टेशन थी तो अभी हा? दो तीन दिन का क्लास मिस हो गया अच्छा? अभी आउट स्टेशन बाहर थी तो दो तीन दिन का क्लास भी मिस हुआ इस हफ्ते का और आज भी वो सही से नेटवर्क प्रॉब्लम थी बार बार लीव हो रही थी ओ। अच्छा तो माता जी मैंने रिकॉर्डिंग आज बहुत सारी डाली है दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पांच अध्यायों की रिकॉर्डिंग आज ही डाली है मैंने ठीक है जी जी हाँ, हाँ, हाँ. देखा था तो थी नहीं अभी देखती हूं। आज आज ही डाली है आज आज वो मुझे सब ओके हो गया जरा का मामला तो आज मैंने जी, पांच जी, की डाली है सोलह सतरा कल दूंगी मतलब। मैं ठीक जी, मतलब। जी, है अपना बच्चा हुआ अठारवा तो माता जी नहीं सोमवार को ही लेंगे हाँ सोमवार और मंगलवार सोमवार दो दिन में हाँ दो दिन में खत्म जी जी, okay. जी जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो ट्यूसडे का लेवल तो खत्म हो जाएगा हाँ खत्म हो जाएगा बिल्कुल ठीक है <laughs> तो अ, अ, हमारे आखिरी दो दिन बच्चे हैं बस और अच्छा वाध्याय तो बहुत ही सुंदर है।, है बहुत ही अच्छा है जी क्या माता जी माता जी लेवल थ्री के लिए हाँ आप लोगों को इसी ग्रुप में इसी ग्रुप में आप लोगों को लिंक आ जाएगा तो ग्रुप लीव मत करिए अपना एल टू खत्म, लेवल टू खत्म भी हो जाएगा फिर भी आप लीव मत करिए तो आपको वहां पर लिंक आ जाएगा लेकिन आप लोग अपने क्विज पूरे करके रखिए फिर आपको इंस्ट्रक्शन मिलती जाएगी कि क्या करना अल... है अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके लिए आ, नहीं मुझे नहीं लगता करना पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली आपको लिंक भेजी जाएगी और आपकी एंट्री हो जाएगी उसमें ठीक है आपको लिंक भेजा जाएगा जी माता जी फिर भी जी, मैं कंफर्म कर लूंगी मुझे क्योंकि जी, ये मतलब ये टेक्निकलिटीज मुझे मालूम नहीं कि कैसे एडमिशन होता है वगैरह तो मैं थोड़ा और पता करके बताऊंगी ठीक है जी माता जी 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 हरे हरे कृष्णा माता जी जसपाल प्रभु कुछ पूछना है हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा जी माता जी आ, मेरा तो एक सवाल कुछ है नहीं है, तो है।, तो अच्छा। तो है।, है हार्ड होता है कि मैं थोड़ा सा उस टाइम ध्यान नहीं दिया अच्छा, तो अच्छा। में कर लूंगा तो अभी गायब हो गया है हाँ वो सात दिन का ही वो रिखाया और माता जी एक और था जैसे भागवतम का भी मिल सकता है क्या पीडीएफ हमको? का भी हाँ मिल सकता है तो माता ठीक जी है प्लीज दोनों का सेंड कर देंगे मुझे तो अच्छा पता है, है, नहीं है लेकिन जल्दी ही चालू करेंगे ज्यादा दिन आप लोगों को खाली नहीं रखेंगे नहीं तो सब भूल भाल जाएंगे इंटरेस्ट चले जाएगा है ना नहीं तो, क्या एक, एक एक रिदम बन जाता है ना तो थोड़ा अच्छा हो जाता है हाँ बिल्कुल मैं पता अभी पता तो करके मैं लेवल बताता वन तो मैं तीन बार कर चुका हूँ लेवल वन तो मैं तीन बार कर चुका हूँ वेरी गुड हाँ एक बार तो कोई और प्रभु थे उनका नाम नहीं मालूम है लेकिन दो बार तो आप ही से हो गए अच्छा वेरी गुड लेवल लेवल वन भी आपने लिया लेवल टू भी आपने लिया तो मैं चाहूंगा माता जी कि एक बार थोड़ा सा वहां से हो जाए तो मतलब लेवल थ्री में भी एक, आपका एकर 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 मिल तो अच्छा क्योंकि आपका श्लोक जो है ना बिल्कुल मेरे को बैठ गया मैं भी तो कभी कभी इसकाउन कोचिंग में जाके आप ही की तरह क्लास ले लेता हूँ समाज वेरी गुड बहुत बहुत अच्छे आ, बहुत अच्छे तो इस्काउन कोचिंग है यहाँ पे एक सेंटर है हमारे यहाँ केरला में अच्छा तो वहाँ पे ऐसे मतलब कभी कोई प्रभु जी नहीं रहते हैं तो बोलते हैं कि आप ले लो आपका बहुत अच्छा लगता है तो जो श्लोक पढ़ते हैं ना तो उनको बहुत आनंद आता है माता जी अरे वाह बहुत अच्छे हाँ तो तो इसीलिए इसीलिए मैं चाहता था कि थोड़ा सा आप, आपका भी जो सेशन रहेगा ना इसमें तो आ, बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि एक तरह से टीचर जो होते हैं ना हमारे गुरु होते हैं तो हम आध्यात्मिक गुरु हमको भी मिल ही रहे हैं आप ही लोग से शुरू हो रहे हैं तो, तो बात का नेक्स्ट लेवल हमारा तो दीक्षा उच्छा का होगा <laughs> हुँ, हुँ, जी मत जी तो, ऐसा ही हाँ, है हाँ तो अब लेवल थ्री मुझे मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं जैसे जो हमको आदेश होगा वैसे करेंगे ठीक है ठीक <laughs> माता जी बाकी थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा भागवतम का और ब्रह्म का ठीक है मैं भेज दूंगी जी माता जी ओके धन्यवाद ठीक माता जी हरे कृष्ण ओके धन्यवाद ओके हाँ ओके सुनीता महाराज हाँ कौन मेरा जी 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 बस यही पूछना था कि माता जी से मैं जो गीता जी पढ़ती हूँ वो अलग है जैसे आप प्रभुपाद जी की पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या स्कॉन मंदिर से मिल जाएगी ये वाली हाँ 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 उसके वो बिल्कुल तार, पढ़ने हाँ, में समझने में है तो आप इस्कॉन की ले लीजिए स्कॉन मंदिर में भी मिल जाएगी या आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं हमारे स्कॉन बेंगलुरु से मंगवा सकते हैं या कहीं आप इसकॉन टेम्पल में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगी आपको निश्चित रूप से निश्चित रूप से मिल जाएगी यहाँ पे उज्जैन से है माता जी में महाकाल की नगरी उज्जैन अरे वाह वाह वा, वा। जी तो वहां पर जी। है ना उज्जैन तो में। यहाँ पे है हाँ अच्छा बड़ा है मा, माता जी हाँ, बहुत अच्छा स्कॉन बनाते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा जरूर मिल जाएगा जरूर मिल जाएगा और आप इसको पढ़िये। इसको पढ़िए पढ़िए मैं करती हूं कि ये पढ़िए आप यथारूप जो प्रभुपाद जी का है वो पढ़िए हम ये लोग ये पढ़ रहे हैं उसमें ये तात्पर्य वगैरह नहीं है तो बस उसमें हिंदी और ये संस्कृत वाले श्लोक है और हिंदी अर्थ वगैरह अच्छा। और ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य वगैरह सब तो अच्छे तो समझ में अच्छे से आ रहा है मतलब हाँ प्रभुपाद तो जी का लिखने का इतना अच्छा ढंग है कि बराबर आ, उसमें उदाहरण देकर और ऐसे बहुत अच्छे से समझाते हैं जी, तो। जी और आपका जा भी साथ बहुत अच्छा लगा माता जी आपके समझाने का और हर एक चीज बहुत अच्छी लगी पर मेरी किस्मत थोड़ा सा मिस हो गई क्लास बाहर थी मैं अच्छा। हम लोग कोई बात थे तो अटेंड नहीं कर पाए नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी माता जी अच्छा अच्छा तो ज्यादा तो तो हो रहा है कौन से लेवल में मिलेगा नहीं, नहीं, अच्छा है। है। बहुत अच्छा समझ में आता है माता जी का सप्रभुपाल जी का जी 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 माता जी हरे धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण रश्मिता माता जी आपको कुछ पूछना है हाँ माता जी वो और एक था। जो बराह अवतार में भगवान जी पृथ्वी को मेरे पृथ्वी को लेके जो छुपाए थे वो जो गर्भ गर्भोध क्वेश्चन में उन्होंने पृथ्वी को डाल दिया था हाँ क्वेश्चन हाँ, में उन्होंने डाल दिया था और तब पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने वराह अवतार लिया था कृष्ण ने है ना और पहले तो पृथ्वी को अपने तो वो जो तो सिंह रहते हैं जी क्या हाँ वो तब जो अवतार लिए वो कौन सा विष्णु में था? कौन से ने विष्णु ने विष्णु नहीं, नहीं ऐसा तो विष्णु तो... बोले आप नहीं नहीं कृष्ण ने कृष्ण ने लिया कृष्ण के है अवतार है ये कृष्ण के अवतार है ये कृष्ण के अनेक असंख्य उतार है हमको तो, तो बहुत कम मालूम है आजी, क्या वो वो जो दूसरे ब्रह्मांड में वो वाला है क्या दूसरे ब्रह्मांड में था और पृथ्वी को लेकर नहीं, नहीं नहीं इसी ब्रह्मांड में इसी ब्रह्मांड के ब्रह्मांड में उन्होंने यही के ओशन में डाल दिया था इसी ब्रह्मांड में तो अपने ब्रह्मांड में जैसे तीन लोक है ना और सबसे हाँ, गर्भोधक ओशन है तो उन्होंने पृथ्वी को उसकी कक्षा से उठाया और गर्भोधक हाँ, गर्भोधक ओशन में डाल दिया यही के इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मांड तो एक ही था लेकिन हाँ कहाँ लेकिन, पर है वो सबसे नीचे ब्रह्मांड के सबसे नीचे तले में वो ओशन है उसी पर तो गर्भोदक विष्णु जो है गर्भोदक गर्भोदाही विष्णु वो उसी में तो स्थित है सबसे नीचे वो है उसके ऊपर सारे ब्रह्म की निर्मित हुई है यानी जो कमल की डंडी निकली उसमें चौदह लोगों का निर्माण किया उन्होंने चौदह लोग यानी चौदह लेवल्स में उसमें हर लेवल में असम के प्लैनेट है वो गोल घूम रहे हैं ना जो कुछ और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक तो ये सारा उसी में हाँ। आ, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे ये लोक उन्होंने निर्माण किए सबसे नीचे गर्भोदक पोषण है तो वहां पर पृथ्वी को चौदह तो के नीचे हाँ चौदह लोगों के नीचे है चौदह लोगों के नीचे गर्भोदक पोषण है ठीक है ना ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे धन्यवाद पुनीता माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम जी माता जी आपकी आवाज तो आवाज बिल्कुल नहीं, नहीं आ रही है माता जी हम लेवल थ्री में क्या पढ़ेंगे लेवल थ्री में तीन किताबें पढ़ी जाएगी माता जी एक है ईशोपनिषद और एक है उपदेशामृत और तीसरे है भक्ति रसामृत सिंधु ये तीन पुस्तकें पढ़ाई जाएगी आपको तो माता हमें करनी पड़ेंगी। कि हमारे पास नहीं है ये पर्चेस पर्चेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं तो पीडीएफ तो मिली जाएगी आप लोगों को परचेस करेंगे तो बहुत हैंडी हो जाता है ना और छोटी छोटी किताबें कोई बहुत महंगी वाली नहीं है एकदम छोटी है है माता जी वो लेना ज्यादा अच्छा वो भी आपको कोई मंदिर में कोई भी मंदिर में मिल जाएगी वो माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण चलिए तो अभी सबके प्रश्न खत्म हो गए हैं मुझे लगता है तो चले हम आज का सेशन यही खत्म करते हैं नम अनत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी को सोमवार को सोमवार को अगली क्लास होगी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण